कहाँ से आप शुरू हुए और कहाँ पर पहुँच गए, इतने ब्रांड्स और इतनी आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जब नजीब भाई से पहली बार मैं मिला, जो पैशन इनमें था और रेडियो को समझते थे, तो इनसे दोस्ती भी इसलिए हुई कि एक तो उस्ताद मानता हूँ मैंने कि इन्होंने सिखाया रेडियो के लिए पैशन। जिस तरह आप मेंशन कर रहे थे कि माइक्रोफोन से एक इश्क हो जाता है, एक नशा हो जाता है, तो वो उसी को होता है जो रेडियो सोचता हो, रेडियो जागता हो, रेडियो सोता हो, रेडियो रेडियो उसकी ज़िंदगी हो। तो वो पैशनेट लोग, बड़े बड़े हमने मिसालें देखी पाकिस्तान में जिनके अंदर रेडियो का बहुत पैशन था और वो बहुत आगे गए। और अब तो खैर रेडियो इतना चेंज हो गया है कि जब पावर 99 शुरू हुआ तो आप यकीन कीजिए हमें टेप्स जो होती थी उनसे गाने लगाने पड़ते थे, रिवाइंड फॉरवर्ड करके, पीछे एक हेडफोन होता था उसमें, और लाइव कॉल्स होती थी तो कोई फरमाइश आ जाए तो आपको पता होना चाहिए था कि कौन सी टेप में कितने नंबर पे कौन सा गाना है, वो रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप विद इन नो टाइम लगाते थे। फिर बाद में नजीब भाई ने उनको कन्वर्ट करवाया डिजिटल के अंदर, MP3s हो गई, फिर ठीक है जी ये क्लिक किया लग गया, फिर ज़िंदगी आसान हुई। लेकिन शुरू में ज़ाहिर है तो वहाँ से अगर आप शुरुआत करें, आप यकीन कीजिए मैं 9 साल का था तो मेरी अम्मी ने मुझे एक रेडियो सेट गिफ्ट किया। मुझे इतना शौक था रेडियो का तो मैंने वो क्या किया, मैंने रेडियो खोल लिया और उसको खोल के देखा कि इसमें से आवाज़ें कैसे आती हैं। तो मैं इस कदर महफ था और मैं ये गाना बजाना रेडियो नहीं है। और पावर 99 वो वाइड चैनल था जिसने रेडियो को एज रेडियो, जो असल में है रेडियो का जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रेडियो का एक किसी भी सोसाइटी को रेडियो जो है वो एजुकेट कर सकता है, अवेयरनेस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने जब जलजला आया तो खसूसी जो ट्रांसमिशन शुरू की उसमें ये लोगों को आपस में मिला रहे थे, कहीं पे ज़रूरत है और कहीं पे कोई देने वाला है, तो उनको आपस में कनेक्ट करने से रेडियो से ज़्यादा पावरफुल मीडियम नहीं हो सकता था, वो टीवी भी नहीं कर सकता, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती जो रेडियो कर सकता है। तो वो रोल ये जानते थे और इनका विजन था, तो वो ट्रांसमिशन पे इन्होंने मुझे बिठाया। वो पूरी पूरी रात ट्रांसमिशन होती थी, उसमें संजीदगी भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जहाँबाक हो गए थे और परेशानी थी पाकिस्तान में, तो फिर आपको सिर्फ म्यूज़िक तो आप बजा नहीं सकते थे, तो आपको सिर्फ बोलना होता था पूरी पूरी रात। और उसमें ज़ाहिर है जो मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, अगर सब्सटेंस नहीं है तो फिर आप रेडियो पे ना बोलें, क्योंकि सब्सटेंस आवाज़ से ज़्यादा, आपकी डिलीवरी से ज़्यादा, सबसे जो नंबर वन चीज़ है वो है सब्सटेंस। आपको नॉलेज हो चीज़ का, कंटेंट आपके पास हो, आप फिर आप एयर टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, अदरवाइज़ आप एयर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। आप या बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं या एक इररेलेवेंट चीज़ जो हम बाकी रेडियो स्टेशंस पे सुनते हैं, इररेलेवेंट चीज़ बोल रहे होते हैं और म्यूज़िक से सहारा लेते हैं क्योंकि बोलने को इतना कुछ होता नहीं है। मैंने बहुत अरसा ये किया है कि मैंने म्यूज़िक से सहारा लिया, मेरे को बोलना मुझे नहीं आता था। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूज़िक शोज़ नहीं होने चाहिए, सॉन्ग्स नहीं बजने चाहिए, बजने चाहिए, लेकिन मैंने जो प्रोग्राम पब्लिक बोलती है यहाँ शुरू किया उसमें हार्डली 2 घंटे में 3-4 गाने लगाते थे, उस कॉन्सेप्चुअल म्यूज़िक जो उस टॉपिक से रिलेटेड होता था। ज़्यादा गुफ्तगू होती थी और बामानी गुफ्तगू होती थी, और होता ये था कि कोई भी इशू है उसको एड्रेस किया जाए, उससे उसके हासिल हो कुछ। जब 2 घंटे या 1 घंटा आप प्रोग्राम करके उठें तो आप ये देखें कि आपने 1 घंटे में हासिल क्या किया, आपकी ऑडियंस को मिला क्या है उस प्रोग्राम से। जो लोग इनके ट्रेन किए हुए हैं वो आज कहाँ से कहाँ, पता नहीं, कोई BBC पे है, कोई वॉइस ऑफ अमेरिका पे है, कोई जर्मनी में है, कोई थाने में है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने ट्रेन किए हैं लोग कि वो हर जगह पहुँचे हैं। तो कि मुझे बड़ा फ़ख्र भी है इस पर कि इस चैनल का जो पहला FPC था वो मैंने बनाया था, फिक्स पॉइंट चार्ट, वो इनके साथ बैठ के बनाया था। लेकिन वो बनाया था, बाकी चैनल्स पे प्रोग्राम्स थे 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो हमने किया 7 से 9, 9 से 11, इस तरह से। तो वो उसके पीछे एक पूरी ऑडियंस की रिसर्च इन्वॉल्व थी कि लोग को हमारे अपनी मार्केट किस तरह से बनानी है। आप जब रेडियो पे इंशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं या करेंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये चीज़ FM में आई, बैकग्राउंड बन गया फोरग्राउंड और प्रेजेंटर चला गया बैकग्राउंड पे, या फिर बैकग्राउंड बन गया एक तमाशा इस तरह बन गया जो फेडर है उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ी में, अस्सलाम वालेकुम डा 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 डा, वालेकुम सलाम डा 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 डा, नहीं, उसको एक जगह छोड़ दें,
बैकग्राउंड शुड बी योर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में आपका आपकी आपका आपका वॉइस आपका सब्सटेंस होना चाहिए. बैकग्राउंड तो हल्का सा सहारा देता है आपको. अगर भले बैकग्राउंड आप यकीन कीजिए ट्रेनिंग बेस्ट ये है कि आप बगैर बैकग्राउंड के प्रोग्राम करें. जब आप बगैर बैकग्राउंड के करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी और फिर बाद में आप सहारा ले सकते हैं. ज़ाहिर है स्पीड ऑफ मार्केट है, लोगों को थोड़ा सा बीच में कलर्स और शशका चाहिए होता है तो उसके लिए फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं. लेकिन उसके साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. आपके जो सुनने वाला है वो इरिटेट नहीं होगा और उसको अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगी. हम पावर 99 में थे, अब पावर में हैं. लेकिन यही मोहब्बत थी माइक के साथ कि मैं पीटीआई में भी मैंने माइक का इस्तेमाल किया स्टेज के ऊपर. जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ क्योंकि मेरा घर है जहाँ से मैं मुझे ट्रेनिंग ये तो नहीं है G11 में था लेकिन यहाँ पे भी बहुत अरसा मैं रहा हूँ. यहीं से मैं फायर हुआ था और तो ये मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है कि इधर आता बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो ये है कि जब भी बात करने को मौका मिलता है इमोशनल इसलिए हो जाता हूँ कि इस जगह से आगाज़ किया जगह पे. आप यकीन कीजिए एक ज़माना था, अब नहीं है. अब तो पता नहीं कितने ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हैं और उस ज़माने में बहुत कम रेडियो स्टेशंस थे लेकिन पहले से थे. पावर 99 जब आया तो पावर 99 जनरल मुशर्रफ ने जब ये पैमरा बनाया तो उसके बाद जो पहला रेडियो स्टेशन जो ऑन एयर गया वो पावर 99 था. जब पावर 99 ऑन एयर गया एक दो महीने के तीन महीने के बाद ही टैक्सी ड्राइवर्स जो बाय लोग थे, दर्जी जो कि सारी सारी रात रेडियो सुनते थे, लोगों को प्रोग्राम के टाइम से प्रेजेंटर के नाम के साथ पता होता था. ये बहुत बड़ी जीत थी पावर 99 की क्योंकि ब्रांडेड प्रोग्राम यानी कि तौसीक हैदर प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर सलमान अनीस प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर मेरा प्रोग्राम होता था, फिर शशि खान का, फिर रोशनी बशीर होती थी एक वो प्रोग्राम करती थी, ट्रेसी प्रोग्राम, तो इन सबका लोगों को नाम के साथ पता था. तो जब हम बाहर कहीं जाएं टीवी तो पे तो हम आते नहीं थे तो शक्ल तो लोगों को नहीं पता, तो जैसे ही आवाज़ पहचान के वो कहते थे आप वो हैं फैसल हैं जो रेडियो पे बोलते हैं. तो पावर 99 इस कदर मतलब पॉपुलर था और इस कदर जो है यहाँ से लोग जो हैं ट्रेन होके पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं. जितना पैशन के साथ आपने इस चैनल को चलाया यही वजह है कि तमाम रेडियो स्टेशन उधर ही के उधर रह गए हैं. यकीन कीजिए कोई इनोवेशन नहीं है. उस जमाने में भी ये जो भी ब्रांड्स देख रहे हैं ये एक ब्रांड के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हुए थी, ये चीज़ें बात होती थी सब चीज़ों पे, लेकिन उनमें से ये लेयर्स निकाल करके अलग प्रोडक्ट्स खड़े करना ये मैं कहता हूँ कमाल स्ट्रेटजी आपकी और यही आप यही चलता है. और न्यूज़ खैर हमारे होते हुए आ गया था और हमारी भी खबरें चली थी और जो मतलब सियासी खबरें यहाँ पे आपको पता है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इमरान खान साहब तो आए हैं और भी पॉलिटिकल लोगों को हम रेडियो पे टेलीफोन पे भी हो जाता था लेकिन काफ़ी लोग आए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि संजीदा. तो वो रेडियो स्टेशन वहीं रह गए. अभी भी आप अगर लगा के जाके सुनेंगे तो वही हो रहा है कि ओह माय डैड वांट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग, तो वही उससे ज़्यादा आगे गए ही नहीं. रेडियो को कल्चर के अंदर से और सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक टूल के तौर पे किस तरह खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है, हैट्स ऑफ टू नजीब भाई, इन जैसे जीनियस ही कर सकते हैं. अदरवाइज तो एक घर में टीवी लगा हुआ है, पांच छह लोग बैठे हुए हैं तो वो टीवी आपको अपनायत नहीं देता है. आपकी जो मर्जी है वही मैं देख रहा हूँ या मैं जिद करता हूँ कि आप मेरी मर्जी पर आ जाएँ तो टाइम बांट सकते हैं. आप ड्रामा देखना चाहती हैं लेकिन घर वाले क्रिकेट देखना चाह रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन रेडियो ये है पर्सनल मीडियम है. दूसरी चीज़ इंटरेक्टिव है, टीवी इंटरेक्टिव नहीं है, टीवी वन साइडेड है. आपको जो आ रहा है आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, उसको कई कॉल्स होती हैं शोज में, लेकिन रेडियो थ्रू आउट इंटरेक्टिव है कि आप और पावर 99 खास तौर पे कि आप फौरन से इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो बहरहाल एक इसमें चीज़ है मैं देख रहा था, बाकी तो ज़बरदस्त है, ये तो फंटेस्टिक. और हमारी हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और इधर फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप जो कहेंगे, जिस तरह से इमरान खान साहब का भी विजन है एजुकेशन के ऊपर, तीन टॉप प्रायोरिटीज़ हैं और आपको पता है एक एनवायरनमेंट है, एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है. तो एजुकेशन में और एनवायरनमेंट में भी खास तौर पे
रेडियो और हेल्थ में तीनों में रेडियो बड़े ज़बरदस्त टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. सो कोई ऐसी चीज़ जिससे यू नो ब्रॉडर स्केल पे लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके. और ये लेकिन ये जो आपका है ब्रॉडकास्ट ये तो बहुत अच्छा है. इमरान खान साहब ने दो दो घंटे बैठ के यहाँ पे कॉलर्स के साथ बात की और अब उसी इंस्पिरेशन को उन्हें याद था. वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्हें कहा था जिस तरह हम रेडियो पे करते थे वैसे ही वे कौम से जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट रेडियो पे खिताब करता है इसी तरह रेडियो के ऊपर भी खिताब की तैयारी कर रहे हैं कि वो दो महीने में एक दफा रेडियो पे हाँ स्टार्ट करें बैठ के खिताब करें और फिर कॉलर्स आएं और अपने अपने मसाइल अपनी अपनी चीज़ें उनसे डिस्कस करें. तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब रेडियो पे आएंगे तो लोगों को रेडियो की अहमियत का एहसास होगा कि ये कितना पावरफुल मीडियम है क्योंकि रेडियो को बड़ा इग्नोर किया गया पिछली गवर्नमेंट से. तो हमारी गवर्नमेंट बहुत संजीदा है इस हवाले से और उन्हें पता है कि पीटीआई की वैसे भी जो हमारा एक सफ़र रहा उसमें रेडियो ने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया लोगों को अवेयरनेस देने में सोशल इश्यूज़ के ऊपर. दहशतगर्दी जब हो रही थी उस हवाले से पानी के मसले छोटे छोटे लोकल इश्यूज़ इन पे पावर 99 ने और वो आप ही कहते थे हमारा दिल तो करता था उस ज़माने में कि हम भी अबरारुल हक को ही चलाएं या वो चीज़ें करें लेकिन आपने हमें संजीदा किया और फिर हमारे अंदर से वो चीज़ें निकल के सामने आई. और ये पैशन भी था दिल चाहता था कि जब भी आपकी कोई वर्कशॉप हो या जहाँ पे कोई मैं प्रेजेंटेशन पे किसी को सिखाने की कोशिश कर सकूँ हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन जितना बहुत मुझे आता है थोड़ा बहुत तो आई वुड लव टू कॉन्ट्रीब्यूट वॉलंटरली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर टीम. थैंक यू.